करीब 7 माह के अंतराल के बाद आखिरकार नगर निगम सोलन ने जनरल हाउस करवाने का निर्णय ले लिया है। ये जनरल हाउस 27 जुलाई को निगम कार्यालय में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी महापौर मीरा आनंद करेंगी। इस आयोजन से लंबित विकासात्मक व अन्य कार्यों में तेजी आएगी। बता दें कि जनरल हाउस में विभिन्न मदों पर चर्चा कर हाउस में कई प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और इस वर्ष नगर निगम का एक भी जनरल हाउस आयोजित नहीं हो पाया। अब जब 27 जुलाई को जनरल हाउस आयोजित होगा तो लोगों को उम्मीद जगी है कि लंबित पड़े कार्यों में तेजी आएगी। ये आपको पता है, जैसे पीछे तो कोड ऑफ कंडक्ट ही हमारा काफी जो है मार्च से लेकर जून तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। उसके बाद हमने एक हाउस प्लान भी किया था, लेकिन बीच में जो है एकदम से कुछ ऐसी इवेंट्स हुई जो सिटिंग मेयर थी वो उस वक्त उनकी मेंबरशिप नहीं रही, तो फिर वो कैंसिल हमें हाउस करना पड़ा है अर्जेंट बेसिस पे। उसके बाद बाय इलेक्शन का भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो थोड़े समय के लिए सोलन में लग गया था, तो इन्हीं कारणों के चलते हम हाउस कर नहीं पाए थे। लेकिन अब हमने जो है वो हाउस प्लान किया है, तो उसमें मेजर हमारे जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, जैसे हमारी पार्किंग्स डेवलप होनी है, उनकी वित्तीय स्वीकृति जो है वो हाउस से लेनी होती है, वो है हिमुडा कॉलोनी बसाल को हमने टेक ओवर करना है पर, और सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो हाईकोर्ट की कुछ डायरेक्शंस थी जो स्पेसिफिक टू हाउस थी वो भी हाउस के सामने रखेंगे। उसके अनुसार थोड़ा सा हम अपना जो गार्बेज बिल का कलेक्शन है या फिर कोई गैदरिंग शहर में होती है उस पर कितने चार्जेस वगैरह लगने हैं, ये सब फैसले हाउस में लिए जाएंगे।